मैरिको को देखिएगा कल, मैरिको लगभग लगभग आधा परसेंट कल बढ़ के बंद हुआ, डे हाई पे बंद हुआ स्टॉक। ये याद रखिए कल ये स्टॉक पहले गिरा, देखिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये आपके स्क्रीन पर आप देखिए इंटरेस्ट चार्ट है, आप इसके सिक्स मंथ देख लीजिए, आप इसका मंथली चार्ट देख लीजिए, आप इसका ईयरली चार्ट देख लीजिए, वीकली देख लीजिए, डेली कुछ भी देखिए, ये अप ट्रेंड में है। अच्छा ये हुआ कि बस 270 से रिट्रेस होके ऑलमोस्ट ये 242-243 की ट्रेजेक्ट्री में आया। कल इसने क्या किया, कल ये अपने 50 डेमा पे टिका और वहाँ से टिकने के बाद ऑलमोस्ट 5-7 सेशन गिरने के बाद ये अपने 50 डेमा पर टिका, वहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से एक पुल बैक दिया। देखिए दीपाली ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, आप बीते 5 महीने में देखिए ये अप ट्रेंड में रहा है, लेकिन उसी अप ट्रेंड में जब भी चलता है गिरता है तो 50 डेमा पर आके सपोर्ट लेता है और फिर वहाँ से आपको एक ट्रेडिंग स्विंग देगा। बहुत कुछ बात करने को मेरे पे है नहीं क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा एक सिक्योर बाजार में, अगर आप देखें बाकी एग्रेसिव स्टॉक्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो मैंने डिफेंसिव पिक काउंटर लिया है। 60% कल इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स थे। एक और चीज़ आई थिंक कल डेरिवेटिव्स में क्या हुआ, जैसे ही इसने गिरने के बाद 50 डेमा पे सपोर्ट लिया और जब चलना शुरू हुआ तो डेरिवेटिव्स में जो मंदड़िया था दीपाली वो बैकफुट पे था। कल करीब करीब 3,66,000 शेयर इसके ओपन इंटरेस्ट में घटे, यानी जो ऑलमोस्ट 256-257 की ट्रेजेक्टरी से इस पे शॉर्ट बैठा था वो कल बाहर निकल के आया। आज देखिए आपको किसे अप्रोच करना है स्टॉक को, 250-51-52 की रेंज में आपको मिले तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के, छोटा ट्रेड है करीब करीब 248-47 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। बहुत सारे चीज़ें हैं आज बाजार में, आपका पी नोट्स आ गया, आपका इलेक्शन आ गया, आपका FIs की अप्रोच आ गई, आपका US मार्केट्स आ गया, तो एक सेफ सिक्योर FMCG का मिड कैप का शॉर्ट कवरिंग के सहारे और स्ट्रेंथ के सहारे भागेगा काउंटर छोटे स्टॉप लॉस के साथ 260 या फिर 262 के टारगेट्स के लिए चले।